शहर के तक यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर चंचल और हमारे साथ हैं बबीता और उनके हस्बैंड सुनील। और इनकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं लेकिन इनकी एक ट्यूब ब्लॉकेज थी और दूसरी ट्यूब में मिनिमल स्टेलेज था जिसके ट्रीटमेंट के लिए ये हमारे पास आए थे। और अभी 3 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद इनके दोनों ट्यूब्स जो हैं वो परफेक्टली ओपन है। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। जी नमस्कार, मैं आशा आयुर्वेद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी हम इससे पहले कहीं SHG करवाए थे तो वहाँ पे जो हमें ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में बताया था और IVF के बारे में वो दी थी हमें राय। फिर हमें बताया हमारे जानने वाले ने आशा आयुर्वेद से आप एक बार जरूर मिलें। तो जी हमने 3 महीने का ट्रीटमेंट लिया है। अभी हमको मैम ने बताया बिल्कुल सही है, आपके ट्यूब भी ओपन हो चुकी है और अभी हम बहुत हैप्पी हैं। दूसरी चीज हम ये बताना चाहेंगे कि जब ये HSG लेके आए थे तो उनकी रिपोर्ट में दोनों ट्यूब ब्लॉक लिखा था लेकिन इनको डॉक्टर ने ऐसा बताया था कि एक ट्यूब ओपन और एक ट्यूब ब्लॉक है। तो बहुत बार एक्सरे की सही रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत ही बार हमने ऐसा देखा है कि हम कई बार पेशेंट को बोलते हैं कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है जबकि रिटर्न में ओपन लिखा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं ओपन है और रिटर्न में ब्लॉक लिखा होता है। एक एक्सपीरियंस तो मेरे साथ ऐसा था कि राजस्थान की फैमिली थी और उनको घर वालों ने इस लेवल तक छोड़ दिया था कि ट्यूब ब्लॉकेज है या तो वाइफ को छोड़ दीजिए या फिर आप घर छोड़ दीजिए और उस फैमिली को उनको घर से निकाल दिया गया। लेकिन जब वो हमारे पास आए थे ट्यूब ब्लॉकेज के ट्रीटमेंट के लिए तो हमने HSG का एक्सरे देख के बोला कि आपके दोनों ट्यूब्स ओपन है। और जब उन्होंने re-HSG करवाया एश्योरेंस के लिए तो भी उसमें दोनों ट्यूब्स ओपन थी। तो बहुत बार रिपोर्ट्स गलत होने की वजह से, रिपोर्टिंग गलत होने की वजह से भी पेशेंट बहुत सफर करता है। जैसा कि इनके केस में इनकी एक ट्यूब मिनिमली स्टिलेज दिख रहा था और दूसरी ट्यूब ब्लॉक थी। खैर अभी 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद दोनों ओपन है। तो बहुत बार रिटर्न रिपोर्ट पे भरोसा ना करते हुए सही जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आप जो है वो अगर लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि कंसीव नहीं हो रहा तो एक बार आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप सही तरीके से ट्यूब्स का जजमेंट करा सकते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं। सिर्फ रिटर्न रिपोर्ट पे ज्यादा भरोसा ना करें। और अगर आपकी ट्यूब्स जेन्युइनली ब्लॉक हैं तो आप आशा आयुर्वेदा में संपर्क करें। हम जो बेहतर कोशिश आपके लिए कर सकेंगे वो करेंगे। धन्यवाद।